जिस यूएन के मंच पर खड़े होकर इमरान लोंडा दुशासन बना था, अब उसी यूएन ने उसका पायजामा घुटनों तक खींच दिया है, जिसके बाद इमरान की कांपती पतझड़ी टांगे साफ साफ दिखने लगी है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक आयोग CSW ने 47 पन्नों की एक रिपोर्ट पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता के तहत जारी की है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट है कि आंखों में काला सुरमा लगाने वाला पाकिस्तान खुद लाल तशरीफ लिए दुनिया को चिढ़ा रहा है। इस रिपोर्ट से यह भी साफ हो गया कि भारत की मोदी सरकार ने शरणार्थियों को नागरिकता देकर सराहनीय कार्य किया है। दरअसल CSW की रिपोर्ट में इस निंदा कानून के बढ़ते सस्तीकरण और राजनीतिकरण पर चिंता व्यक्त की गई है। यानी अहमदिया, हिंदू, सिख और ईसाई विरोधी धार्मिक कानून जो इस्लामी समूहों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, न केवल अल्पसंख्यकों को सताने के लिए है बल्कि राजनीतिक लाभ हासिल करने का जरिया भी है। संयुक्त राष्ट्र के ईसाई आयोग ने कहा है कि पाकिस्तान में ईसाई और हिंदू संप्रदाय विशेष रूप से कमजोर है। यहाँ हर साल सैकड़ों लड़कियों का अपहरण कर लिया जाता है और उन्हें मुस्लिम पुरुषों से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। पीड़ितों को लड़कियों और उनके अपहरणकर्ताओं द्वारा दी गई गंभीर धमकियों के कारण अपने परिवार में वापस आने की कोई उम्मीद नहीं होती। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में चल रही मुल्लागिरी से सताए धार्मिक अल्पसंख्यक यहां से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। रिपोर्ट में साफ संकेत दिए हैं कि पाकिस्तान में मानवाधिकार की स्थिति बेहद खराब है और अल्पसंख्यकों पर हर रोज कट्टरपंथियों के अत्याचार बढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि रिपोर्ट के एक पन्ने पर मई 2019 में सिंध के मीरपुर खास के एक हिंदू पशु चिकित्सक रमेश कुमार मल्ली का जिक्र भी है, जिन पर कुछ चरमपंथियों ने कुरान के छंद वाले पन्नों में दवाई देने का आरोप लगाकर बड़े स्तर पर दुकानें जला दी गई थी। दरअसल पाकिस्तान का इस निंदा कानून केवल इस्लाम को ताकतवर बनाने के लिए बनाया गया है। यानी अगर गैर इस्लामिक इस्लाम का किसी भी तरह से अपमान करता है तो उसे मौत की सजा दी जा सकती है। हालांकि इस कानून के तहत आज तक पाकिस्तान की अदालत ने किसी को फांसी की सजा नहीं सुनाई है, जबकि इस कानून की आड़ में पिछले 30 सालों से अल्पसंख्यकों पर जमकर अत्याचार हुए हैं। इस रिपोर्ट का दूसरा पहलू मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए नागरिकता संशोधन विधेयक की गंभीरता की ओर इशारा करता है। यानी पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होने पर जान बचाकर भारत में घुसे अल्पसंख्यकों को मोदी सरकार द्वारा नागरिकता प्रदान करने को मानवता के तौर पर देखा जाना चाहिए। खास बात यह है कि भारत सरकार दुनिया को यह बताने में भी कामयाब होगी कि पाकिस्तान से कितने लोग उत्पीड़न का शिकार होकर भारत में आए। वैसे एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार इनमें हिंदू, सिखों के बाद ईसाई संप्रदाय बहुत ही आत्म है। यूएन में पाकिस्तान का तयबंद हरण होने के बाद अब भारत भी नागरिकता संशोधन बिल की आड़ में उसकी घेराबंदी करने की तैयारी कर रहा है। भारत उन रिपोर्ट को जुटा रहा है जिनसे दुनिया को बता सके कि पाकिस्तान ने कैसे संगठित तरीके से अल्पसंख्यकों को अपनी सीमा से भारत में धकेला है। भारत ऐसा करके पाकिस्तान के कट्टरपंथी इस्लामिक राष्ट्र के दावे को मजबूती देना चाहता है। शायद पाकिस्तान को इसका एहसास हो चुका है, इसलिए पिछले दिनों उसने अपने अत्याचार से ध्यान डाइवर्ट करके मुसलमानों को नागरिकता नहीं देने पर सवाल उठाने शुरू किए थे। CSW की रिपोर्ट के बाद जहां दुनिया का दबाव पाकिस्तान पर बढ़ने जा रहा है, वहीं भारत भी अपनी कूटनीतिक बिसात बिछाने की तैयारी में है। यह रिपोर्ट भारत के लिए एक अचूक शस्त्र की तरह है, जिसके सारे भारत आसानी से पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकेगा। मतलब मानवाधिकार के नाम पर गाल बजाने वाले पाकिस्तान को उसी के घर में धोने की तैयारी की जा रही है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।